अफरीम उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रेस नोट संख्या 207 दिनांक 6 अगस्त 2023। अंतर्राज्यीय स्तर पर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार। लगभग 204 किलोग्राम गांजा बरामद। दिनांक 5 अगस्त 2023 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को अंतर्राज्यीय अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को लगभग 204 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 30 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। एसटीएफ टीम उत्तर प्रदेश को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों की सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसकी रोकथाम एवं तस्करों के विरुद्ध कठोर विधिक कार्रवाई करने हेतु एसटीएफ की विभिन्न इकाइयों टीमों को अभिसूचना संकलन करने एवं कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्रवाई की जा रही थी। अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ टीम को सूचना प्राप्त हुई कि अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के सदस्य अवैध गांजा की खेप एक एम्बुलेंस व एक अन्य चार पहिया गाड़ी के माध्यम से उड़ीसा लेकर आ रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश होते हुए ललितपुर झांसी के रास्ते आगरा जाने वाले हैं, जहां इसकी सप्लाई होनी है। इस सूचना पर उपनिदेशक श्री राहुल परामार सिंह के नेतृत्व में धीरेन्द्र सिंह पुष्पेंद्र सिंह सोलंकी एसटीएफ फील्ड इकाई कानपुर की टीम द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर जनपद ललितपुर की बीघापुर टोल प्लाजा के पास से मारुति सुजुकी इको एम्बुलेंस नंबर CG4HD8720 व हुंडई कंपनी की वेन्यू कार नंबर UPSC FP4090 की तलाशी ली गई, तो उसमें भारी मात्रा में गांजा पाया गया, जिस पर इस गाड़ियों को चालक सहित हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ओमबीर ने बताया कि हम लोगों को अवैध मादक पदार्थ गांजा तस्करी करने का एक संगठित गिरोह है। इस काम में योगेश और मुरारीलाल मेरे सहयोगी हैं। बरामद एम्बुलेंस मेरे ही नाम से है, जिससे हम लोग गांजा की तस्करी करते हैं। हम लोग जगदलपुर उड़ीसा से गांजा लेकर आते हैं और आगरा में सप्लाई करते हैं। योगेश एम्बुलेंस का चालक है, जिसे प्रति चक्कर 30,000 रुपये मिलता है। टोल टैक्स और पुलिस से बचने के लिए हम लोग एम्बुलेंस से ये तस्करी करते हैं। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली ललितपुर में NDPS एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।